हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के पहले लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप सभी के काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर हम आज के इस वीडियो से आप सभी को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के भी लेक्चर्स को प्रोवाइड करना हम शुरू कर रहे हैं। हम मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप सभी को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे थे, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड करिए। तो इस लेक्चर से आप सभी को फिजिक्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड करना हम शुरू कर रहे हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ साथ आप सभी को जब फिजिक्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू कर रहा हूं, तो इन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिक्स का एक अच्छा और नया कॉपी बनाइएगा। आप लोग बीच में यूनिट फर्स्ट लिखिएगा, जिसमें हमें सबसे पहले बात करना है वेक्टर अलजेब्रा, जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट का नाम है। ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, धीरे धीरे करते हुए चीज़ों पर हम बात करते हैं। आप लोग इंटरमीडिएट में सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़े होंगे, यानी कि अगर हम कहें तो हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश में उन चीज़ों को पढ़ेंगे और डिटेल लेवल से पढ़ते हैं। क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हें, यानी कि भौतिक राशियाँ जो होती हैं उन्हें, हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अगर ऐसे समझने का प्रयास किया जाए तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर अगर बात किया जाए तो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है वेक्टर, जिसे हम कहते हैं सदिश, और दूसरा हमारे पास होता है स्केलर, ठीक है, स्केलर। अब ये स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन यहाँ बात एक और ध्यान रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ केवल दो ही प्रकार के नहीं होते हैं, वो तो आपके ग्रेजुएशन के लेवल पर केवल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ और भी प्रकार के होते हैं। हम इसे यूनिट फोर के अंतर्गत भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनिट फोर के अंतर्गत हम एक नए प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम कहते हैं टेंसर, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हम आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो हम सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी कि हमारे पास परिमाण हो, और साथ ही साथ हमारे पास दिशा भी होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिस भी क्वांटिटी में पाया जाएगा उसको हम कहते हैं वेक्टर, और जिस भी क्वांटिटी में केवल और केवल, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ओनली मैग्नीट्यूड पाया जाता है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्केलर, ओके। इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, उन्हें हम एक एक करके बात भी करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे, चूंकि हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि
इस पूरे यूनिट में हम यह बात करेंगे कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इन सभी अलजेब्राओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा अलग होता है, वेक्टर अलजेब्रा अलग होता है। वेक्टर से रिलेटेड हम जब चीज़ों पर बात करते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा कहलाता है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो होता है वह केवल मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर अलजेब्रा भी उन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम पहले इन सभी चीज़ों का हम डिफिनीशन लिखते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम वेक्टर के लॉज पर बात करेंगे यानी कि लॉ ऑफ एडिशन या फिर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद हम स्केलर्स को पूरा डिटेल से समझना शुरू करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। आप लोग बीच में पहले लिख दीजिएगा वेक्टर अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट, और उसके अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा स्केलर। ठीक है, समझते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं। वैसे स्केलर एक सिंगुलर नाउन हो गया, और स्केलर्स अगर हम लिखते हैं तो बहुत सारे क्वांटिटीज पर बेसिकली हम बात करते हैं। तो स्केलर क्या होते हैं, अगर इनके हम डिफिनीशन पर बात करते हैं तो ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटी, ओके, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश है, काफ़ी बच्चे डरते हैं, तो धीरे धीरे करते हुए चीज़ों को एडॉप्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो धीरे धीरे करते हुए आराम से पढ़िए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। क्या होता है स्केलर, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है which can described by, ठीक है, काफ़ी तरीक़ों से इनके हम डिफिनीशन को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसा डिफिनीशन ले रहा हूँ जो आसान है, which can be described by, लिख लीजिए, magnitude, ठीक है, क्या होता है मैग्नीट्यूड से हम केवल इसको डिस्क्राइब करते हैं, मैग्नीट्यूड ओनली, ओके, दैट इज, इसका मतलब यह हुआ कि नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तब इस प्रकार के ही हम क्वांटिटी को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड स्केलर। क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। देखो, स्केलर वो क्वांटिटीज होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, उनमें किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर बात किया जाए द्रव्यमान पर, यानी कि जिसे मास कहेंगे इंग्लिश में, अब तो जो हमारे पास मास होता है, जैसे ये हम अगर मार्कर की बात कर रहे हैं तो ये सपोज कर लेते हैं कि आधा किलो का है, सपोज करने में क्या जाता है, ठीक है, ये हमारे पास आधे किलो का है यानी कि करीब 500 ग्राम, ठीक है, तो 500 ग्राम में क्या डायरेक्शन की बात हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही है, इसमें केवल हम परिमाण कर रहे हैं कि ये 500 ग्राम का है, ठीक है, तो इसलिए इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही पाया जा रहा है। तो ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चाहे वो स्पीड हो जाए, टाइम हो जाए, प्रेशर हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, या फिर कोई भी प्रकार का हमारा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना पाया जाए, या फिर मैं कहूँ जिसे डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम स्केलर कहते हैं, हिंदी में कहें तो अदिश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर भी बात कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मास, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है द्रव्यमान। दूसरा हमारे पास आता है डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस जो होता है वह स्केलर होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आप लोग जानते ही होंगे, दूरी और विस्थापन, ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया हमारे पास, स्पीड हो गया, अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा, और अगर सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो टाइम हो गया, स्पीड हो गया, ऐसे ही हमारे पास टेम्परेचर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया,
एनर्जी भी हमारे पास इसी कैटेगरी में आ जाएगा, एनर्जी ईटीसी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, फिलहाल सभी एग्जांपल्स को तो लिखने बैठ नहीं जाएंगे, कुछ हम एग्जांपल्स को लिख लेते हैं जो कि हमारे मेन उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे स्केलर्स कहलाते हैं। अब स्केलर्स में कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं इस पर बात कर लिया जाए, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर्स। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास स्केलर्स होते हैं उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर्स। अब क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास जो स्केलर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें हम मेनली दो ही कैरेक्टरिस्टिक का हम अध्ययन करते हैं, यानी कि इनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा हम स्केलर केवल आप सभी को समझा रहे हैं, इसके बाद स्केलर्स का ज़्यादा उपयोग रह नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन वेक्टर के ही बारे में हमें समझना है क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा हमारे यूनिट का ही नाम है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा और डिफरेंस समझिए कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है स्केलर्स आर कंबाइंड। ठीक है, कंबाइंड में क्या क्या हो सकता है, हो सकता है वो एडिशन किया जा रहा हो, ठीक है, हो सकता है वह सब्ट्रैक्शन किया जा रहा हो, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, हो सकता है वह मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा हो, ओके, मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा हो, हो सकता है वहाँ पर हम डिवीजन भी कर रहे हो, या फिर और भी बहुत सारे हमारे पास ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो स्केलर्स आर कंबाइंड यूजिंग ऑपरेशन ऑफ, ठीक है, यूजिंग ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। अब ये क्या मैंने बात बोली अभी बताता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ, ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ओके, देखो हम यह बात जानते हैं कि अगर मैं बात कह रहा हूँ 5 + 10 यानी कि 5 + 10 तो हमारे पास कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, यही है ना, यही तो है। अगर हम बात करें तो क्या 5 के पास कोई डायरेक्शन है, अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास मान लेते हैं यह एक मार्कर है, ठीक है, तो यह इस मार्कर का जो वजन है यानी कि इसका जो मास है वह 5 किलोग्राम है। दूसरा हमारे पास मार्कर है और जिसका वजन यानी कि जिसका मास हमारे पास 10 किलोग्राम है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 15 मिलता है, यानी कि इन दोनों ही मार्कर को अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो इसका जो मास हो जाएगा वो 15 किलोग्राम हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि स्केलर्स आर कंबाइंड, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं, हो सकता है उनमें एडिशन हो रहा हो, हो सकता है उनमें सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, हो सकता है उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है यानी कि दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें, हो सकता है दोनों का डिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये सभी जो हमारे पास स्केलर्स एक दूसरे से जब जुड़ते हैं, जुड़ने का मतलब केवल एडिशन नहीं, ये सभी हो सकते हैं, मतलब कंबाइंड हो रहे हैं, तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉलो करते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी एडिशन करते हैं, नॉर्मल सा एडिशन, नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन, ऐसे चीज़ों पर बात किया जा रहा है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई, ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बस मैं आप सभी को समझा रहा था। ठीक है, दूसरा अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पर बात करते हैं तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा डिफरेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी हम आगे चलते हुए अपने तीसरे यूनिट की तरफ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी स्केलर का यह आता है कि स्केलर्स आर, ठीक है, स्केलर्स आर इनवेरिएंट अंडर, क्या होता है, स्केलर्स जो होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं, किसमें, अंडर द
अंडर द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है, अंडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, अंडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ समझेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा, अंडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो बच्चों, ये वाला जो लाइन मैंने लिखा है, ये हो सकता है काफ़ी बच्चों को ना समझ में आए, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और जब आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लेंगे, आगे चलते हुए हम इस पर भी बात करेंगे, फिलहाल आप लोगों के सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वहाँ पर भी हम जब समझेंगे तो वहाँ पर ये वाला पॉइंट समझ में आएगा कि अगर हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ध्यान देते हैं, या फिर वहाँ से किसी एक स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं, तो वह स्केलर क्वांटिटी में बदलाव नहीं होता है, चाहे वो हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से देख रहे हों उस स्केलर क्वांटिटी को। यही बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने स्केलर्स में सभी चीज़ों को समझ लिया कि स्केलर क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स पर भी बात कर लिया, उनके प्रॉपर्टीज़ को भी देख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं अपने वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ही होते हैं, जिनमें अगर बात किया जाए तो इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पाया जाता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं बच्चों, मैं आप सभी को मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर जब प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जाइए, उन सभी लेक्चर्स को देखना शुरू करिए, धीरे धीरे करते हुए आप लोग अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में वेक्टर क्या होता है। तो ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ए वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वेक्टर होता है वह क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, क्वांटिटी व्हिच सेटिस्फाई फॉलोइंग लॉज, ठीक है। कौन कौन से लॉ हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, हम यह सभी जानते हैं कि व्हिच, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर होता है वह क्या करता है, व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ एंड डायरेक्शन भी रखता है, ठीक है। ये हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से कहने का मतलब है इंटरमीडिएट से, ठीक है। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम सभी यह बात जानते हैं कि वेक्टर उस क्वांटिटी को कहते थे जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है और डायरेक्शन भी पाया जाता है, लेकिन अब जब हम ग्रेजुएशन में पहुँच चुके हैं तो इसे थोड़ा सा और डिटेल लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर तब कहेंगे जब यह पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए, इसके साथ साथ एक दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि इट ओबे, ठीक है, इट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या होना चाहिए, कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये ऐसी कौन सी बला है जिसे सेटिस्फाई करने पर ही कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ही वेक्टर कहलाने लग जाता है। तो इसके बारे में हम आगे के फर्दर लेक्चर्स में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बस इतना समझो कि यह भी एक प्रॉपर्टी है, यह भी एक कंडीशन है, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे इसके साथ साथ, तभी उसे हम कहेंगे कि वह वेक्टर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम आगे के चलते हुए लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आइए बात करते हैं, अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि विस्थापन। मैंने बताया था ना कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो स्केलर होता है। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि विस्थापन जो होता है, वह क्या होता है, वेक्टर के कैटेगरी में आता है। वेलोसिटी दूसरा हमारे पास एग्जांपल हो गया। वेलोसिटी हम यह बात जानते हैं कि जो हमारे पास स्पीड होता है यानी कि जो चाल होता है, वह क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी भी हमारे पास स्केलर है, समय भी हमारे पास स्केलर है, तो चाल भी हमारे पास स्केलर हो जाता है यानी कि स्पीड। और अगर वेलोसिटी पर बात किया जाए तो यानी कि वेग बराबर हमारे पास विस्थापन बटे समय होता है। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास विस्थापन होता है उसमें डायरेक्शन पाया जाता है, इसलिए हमारे पास जो वेलोसिटी होता है इसमें भी डायरेक्शन पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास अगर दूसरे एक और एग्जाम्पल पर बात करते हैं तो फोर्स। फोर्स हम जब बल लगाते हैं किसी चीज़ पर, जैसे मैं लिखने में बल लगा रहा हूँ तो इसमें डायरेक्शन पाया जा रहा है कि मैं इसी तरफ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक्सेलरेशन भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, यानी कि वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे अगर बात किया जाए तो हम कह रहे हैं कि जब हम अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, और कुछ दूर चलते हैं तो हमारे पास कॉलेज आ जाता है हमारा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास 10 किलोमीटर पर सपोज कर लेते हैं कि हमारा कॉलेज है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 10 किलोमीटर पर हमारा क्या है, कॉलेज प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 10 किलोमीटर किस तरफ, तो आपको बताना पड़ेगा ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ है, नॉर्थ है, आपको बताना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया, डायरेक्शन भी बताया कि हमारा जो कॉलेज है वो मेरे घर से 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने डायरेक्शन को भी बताया, दिशा भी बताया। तो इस सिचुएशन में जो यह हमारे पास क्वांटिटी हुआ, जो यह फिजिकल क्वांटिटी हुआ, जिसमें मैग्नीट्यूड तो है साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, तब इसे हम कहते हैं कि यह हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे ऑथर या फिर काफ़ी सारे टीचर कहते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हमारे घरों में वायरों में जो दौड़ती रहती है इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें भी कहा जाता है कि ये हमारे पास वेक्टर होते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो हमारे पास दूसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है उनमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो करते, बल्कि लॉ ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन को फॉलो कर जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी क्वांटिटी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पाया जाता है, बट वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें हम वेक्टर्स नहीं कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ों पर और बात करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि यह हमारे पास वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इट इज, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, इट इज डिनोटेड एज या फिर इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, या तो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो मोटा सा हम बनाएंगे ए को, या फिर इसी पर ही हम क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। अगर हम नॉर्मल तौर पर कॉपी में बनाते हैं तो मोटा तो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर स्केच से बनाना है, ये सभी चीज़ें आप लोग पेन से लिख रहे हैं, ये स्केच से लिखेंगे तो मोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो सिंपल सा ए लिखिए और उस पर वेक्टर बना दीजिए, यानी कि एरो दिखा दीजिए। एरो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, और जो यह हमारे पास ए लिखा गया है यह रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। यानी कि अगर हम एरो को हटा देते हैं तो जो यह आप सभी को क्वांटिटी दिखाई दे रहा है यह स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंड इसके साथ साथ अगर इसके हम मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं, इफ सपोज कर लेते हैं, इफ वेक्टर ए इज ए वेक्टर, क्या है हमारे पास यह जो क्वांटिटी लिखा गया है वह एक वेक्टर है, देन इट्स
देन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज, तब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर मैग्नीट्यूड पर बात किया जाए तो हमारे पास मैग्नीट्यूड को हम एरो हटा देंगे, केवल एरो हटा दीजिए और जो हमारे पास बच रहा है क्वांटिटी उसी को हम लिख देंगे ए। यही हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन काफ़ी सारे ऑथर्स और जब हमें न्यूमेरिकली चीज़ों पर बात करना रहता है तो हमारे पास यही जो मैग्नीट्यूड ए हम लिख रहे हैं इसे हम क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे और उसके बगल में कुछ इस प्रकार से लाइन खींच देंगे जिसे डिटर्मिनेंट भी कई बार कहा जाता है, या फिर नॉर्मल शब्दों में इसे प्रोनाउंसिएट करने का तरीका ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बात कर लिया कि वेक्टर क्या होते हैं, एक काम करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज पर भी बात कर लेंगे और साथ ही साथ समझ लेंगे कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होते हैं। इसमें हम यूनिट वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट समझा देंगे अगले लेक्चर में, और यह भी समझा देंगे कि दो वेक्टर्स कब एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे करते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, सीखिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।